आप सभी को प्रणाम। आप सभी को आंवले की एकादशी की खूब मंगल शुभकामनाएं। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही शुभ मंगल कामना। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र सांस 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 स्वर दोहराएं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव ना बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे तथा दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो यह युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम मंत्र साधना के आधार और चमत्कार पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। मंत्र साधना भी यंत्र साधना की ही तरह विशुद्ध विज्ञान है। यंत्रों के सिद्धांत, निर्माण, संचालन, सुधार में दक्षता प्रस्तुत करना ही यंत्र विद्या का आधार है। यह प्रक्रिया ठीक रहे तो यंत्रों की क्षमता से समुचित लाभ उठाया जा सकता है, पर यदि इन प्रकरणों में त्रुटि रहे तो मशीनें समय और धन की बर्बादी ही करती है। ठीक इसी प्रकार मंत्र साधना के सभी प्रयोग प्रकरण सही हो तो उनका लाभ प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा अधूरा और अस्त व्यस्त साधना क्रम अपनाने पर निराशा और उपहास का ही भाजन बनना पड़ता है। भौतिक विज्ञान बाह्य जगत को प्रभावित करता है और जड़ प्रकृति में सन्निहित शक्तियों को उपयोग योग्य बनाकर लाभकारी परिणाम उपस्थित करता है। अध्यात्म विज्ञान अतरंग क्षेत्र को प्रभावित करता है और चेतन प्रकृति को प्रदीप्त कर उससे सर्वसमर्थ व्यक्तित्व का निर्माण करता है। भौतिक विज्ञान सुख से सुविधाओं, सुख साधनों का उत्पादन करता है। शरीर को अधिक सुविधाजनक स्थिति में रखने के आधार जुटाता है। यही उसकी परिधि है। अंतः चेतना तक ना तो उसकी पहुंच है और ना उस स्तर की क्षमता ही वह उत्पन्न कर सकता है। यह जगत जड़ और चेतन का सम्मिश्रण है। प्राणधारियों के भीतर चेतना रहती है और बाहर पंच भौतिक कलेवर चढ़ा रहता है। दोनों के सम्मिश्रण से ही प्राणी जगत ही विविध हलचलें दिखाई पड़ती हैं। नदी, पर्वत जैसा सर्वथा जड़ पदार्थों की बात अलग है। जहाँ चेतना है वहाँ इस बात की भी आवश्यकता अनुभव की जाती है कि वस्तुओं और शरीरों की तरह ही चेतना को भी स्वच्छ, स्वस्थ और सुव्यवस्थित रखा जाए। इसी क्रियाकलाप को अध्यात्म कहते हैं। जड़ प्रकृति की शक्तियों का अधिकाधिक परिचय भौतिक विज्ञान ने सर्वसाधारण के लिए सुलभ किया है। अग्नि, विद्युत, ईथर, अणुशक्ति, तरंगे, चुंबक आदि भौतिक शक्तियों का उपयोग कितना चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत करता है यह सर्वविदित है। चेतन प्रकृति का स्तर और भी ऊंचा है। वस्तुतः चेतन का ही जड़ के ऊपर अधिकार है। जलयान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चेतन संचालक के बिना कुछ ना कर सकेगा। अंतरिक्ष में मानव रहित रॉकेट स्वसंचालित लगते भर हैं। वस्तुतः उन्हें भी धरती पर बैठे हुए वैज्ञानिक ही दिशा देते हैं और नियंत्रण करते हैं।
रेलगाड़ी कितनी ही कीमती क्यों ना हो, जीवित ड्राइवर के बिना वह टूटे इंजन की तरह निरर्थक है। प्राण के बिना शरीर का क्या उपभोग? उपभोक्ता रहित संपदा तो समुद्र तल और भूगर्भ में ना जाने कितनी दबी पड़ी है। महत्व उतना ही है जितना कि चेतन प्राणी उसका उपयोग कर सके। जड़ पदार्थों की तरह जड़ विज्ञान का भी उपयोगी हो सकता है, जब उसका चेतन प्राणी द्वारा नियंत्रण एवं उपयोग किया जाए। तात्पर्य यह है कि जड़ की तुलना में चेतन का मूल्य महत्व अत्यधिक है। इसी अनुपात में भौतिक विज्ञान से अध्यात्म विज्ञान की महत्ता एवं उपयोगिता बढ़ी चढ़ी है। भौतिक विज्ञान के प्रत्यक्षीकरण में प्रस्तुत प्रयुक्त होने वाले उपकरण यंत्र कहलाते हैं और आत्मविज्ञान से लाभान्वित होने के माध्यम मंत्र कहे जाते हैं। यंत्रों के बिना वैज्ञानिक तथ्यों से लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसी प्रकार मंत्र रहित अध्यात्म सिद्धांत मात्र बनकर रह जाएगा, उसे प्रत्यक्ष ना किया जा सकेगा। समग्र विज्ञान को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक पिंड व्यापी दूसरा ब्रह्मांड व्यापी, एक अंतरंग तो दूसरा बहिरंग। जिस प्रकार थ्योरी और प्रैक्टिकल के आधार पर बहिरंग शिक्षा पद्धति चलती है, उसी प्रकार अध्यात्म प्रगति के लिए आस्था और साधना दो माध्यम हैं। आस्था के अंतर्गत नीति, धर्म, दर्शन, आत्मदर्शन, ब्रह्म एवं सूक्ष्म जगत का वर्णन विवेचन आता है। शास्त्रों में उसी का वर्णन है। आत्मबोध, लोक व्यवहार, चिंतन, परिष्कार को अध्यात्म निष्ठा पक्ष में लिया जाएगा। संयम, नियम, व्रत, तप, साधन प्रभृति क्रियाकलापों को साधना माना जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाएगी। ज्ञान कर्म के समन्वय से ही उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। ज्ञान के बिना कर्म और कर्म के बिना ज्ञान निर्जीव निष्प्राण रहेगा। तत्व दर्शन के बिना तपस्या और तप साधना के बिना तत्व दर्शन समग्र अध्यात्म का प्रयोजन पूरा नहीं कर सकते। विश्वव्यापी ब्रह्म चेतना के साथ मनुष्य का सघन और सुनिश्चित संबंध है, पर उसमें मल आवरण विक्षेप जैसे अवरोधों ने एक प्रकार से विच्छेद जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। बिजली घर और कमरे के पंखे के बीच लगे हुए तारों में यदि कहीं गड़बड़ी उत्पन्न हो तो पंखा और बिजली घर दोनों ही अपने अपने स्थान पर वही रहते हुए भी सन्नाटा छाए रहेगा, पंखा चलेगा नहीं और निशिष्ट पड़ा रहेगा। इन अवरोधों को साफ करना ही मंत्र साधना का उद्देश्य है। नाली के प्रवाह में कोई रोड़ा आ जाए तो पानी इधर उधर फैलेगा और नाली सूखी पड़े रहेगी। यही बात हमारे जीवन प्रवाह में भी दृष्टिगोचर होती है। अन्न जल पर जीवित रहने वाला शरीर तो अपना आहार एवं प्राप्त करके गतिशील बना रहता है, पर अंतः चेतना की खुराक ना मिलने पर वह दिन दिन दुर्बल और मरणासन होती चली जाती है। यही है हम सबकी आंतरिक दयनीय दुर्दशा का कारण। नवजात शिशु माता के दूध पर अवलंबित रहता है। आत्मा का पोषण परमात्मा के साथ प्रत्यावर्तन बने रहने पर ही होता है। बादल तभी बरसते हैं जब समुद्र से उन्हें भरपूर पानी मिले। यदि समुद्र से संबंध टूट जाए तो बादलों का बरसना तो दूर, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तब केवल धूलिकण ही यदा कदा बदली बनकर घूमते दृष्टिगोचर होंगे। परमात्मा से संबंध टूट जाने पर आत्मा अपना वर्चस्व खो बैठती है, आत्मबल के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, महानता तिरोहित हो जाती है, केवल कायक कलेवर ही छिपकली की कटी पूंछ की तरह उछल कूद करता रहता है। हम में से अधिकांश को शरीर मात्र बनकर जीना पड़ रहा है। आत्मा की गरिमा के वर्णित कोई चिन्ह अपने में दिखते नहीं। इसे आत्मा और परमात्मा के बीच गतिरोधी समझना चाहिए। परित्यक्ता पत्नी की भांति उस पर उदासीनता ही छाई रहती है।
साधना इन शिथिल संबंधों में पुनः प्रतिष्ठापित करने की सुनिश्चित पद्धति है। मंत्र साधन उसका कर्म पक्ष है। यों आत्मज्ञान भी कम महत्व का नहीं, उसकी भी अपनी गरिमा है, फिर भी वह पूर्ण नहीं। कोई व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, दार्शनिक, शास्त्रज्ञ, वेदांती होने पर भी आत्मबल संपन्न नहीं हो सकता। इसके लिए उसे साधनात्मक कर्मकांड अपनाने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होगी। विश्व चेतना के साथ व्यक्ति चेतना को जुड़ने का यही मार्ग है। मंत्र साधना इसी राजमार्ग की तरह समझा जाना चाहिए। मंत्र का प्रत्यक्ष रूप ध्वनि है। ध्वनि भी क्रमबद्ध, लयबद्ध और वित्ताकार है। एक क्रम से निरंतर एक ही शब्द विन्यास का उच्चारण किया जाता रहे तो उसका एक गति चक्र बन जाता है। तब शब्द तरंगे सीधे चलने की अपेक्षा वृत्ताकार घूमने लगती है। रस्सी में पत्थर का टुकड़ा बांधकर उसे तेजी से चारों ओर घुमाया जाए तो उसके दो परिणाम होंगे। एक यह कि वह एक गोला घेरा जैसा दिखेगा, रस्सी और ढेले का एक स्थानीय स्वरूप बदलकर गतिशील चक्र के रूप में बदल जाना एक दृश्य चमत्कार है, और दूसरा परिणाम यह होगा कि उस वृत्ताकार घुमाव में से एक असाधारण शक्ति उत्पन्न होगी। इस तेज घूमते हुए पत्थर के छोटे टुकड़े से किसी पर प्रहार किया जाए तो उसकी जान ले सकता है। इसी प्रकार यदि उसे फेंक दिया जाए तो तीर की तरह सनसनाता हुआ बहुत दूर तक निकल जाएगा। मंत्र जप से यही होता है। कुछ शब्दों को एक रस, एक स्वर, एक लय के अनुसार बार बार घुमाते रहने से उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगे सीधी या असाधारण नहीं रह पाती। वृत्ताकार उनका घुमाया जाना अतरंग पिंड में तथा बहिरंग ब्रह्मांड में एक असाधारण शक्ति प्रवाह उत्पन्न करता है। उसके फलस्वरूप उत्पन्न हुई परिणामों को मंत्र का चमत्कार कहा जा सकता है। मंत्रों का शब्द चयन योग विधा में निष्पात तत्ववेत्ताओं से दिव्य चेतना एवं सघन अनुभूतियों के आधार पर किया जाता है। यों उस शब्द विन्यास में कुछ प्रेरणाप्रद अर्थ और संदेश भी होते हैं, पर उनकी महत्ता उतनी नहीं जितनी शब्द गुंथन की है। अर्थ की दृष्टि से भी उनसे भी अधिक भावपूर्ण कविताएं हैं और हो सकती हैं। फिर सूत्र छोटे मंत्रों में उतनी विस्तृत भाव श्रृंखला भरी भी नहीं जा सकती जितनी मना क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है। वस्तुतः मंत्र की महत्ता उसके स्फोट में है। स्फोट का अर्थ है ईश्वर तत्व में होने वाला ध्वनि विशेष का असाधारण प्रभाव। तालाब में छोटा ढेला फेंकने से थोड़ी और छोटी लहरें उत्पन्न होती हैं, पर यदि बहुत ऊंचाई से बहुत जोर से कोई बहुत बड़ा पत्थर पटक जा जाए तो उसका शब्द स्पंदन दोनों ही अपेक्षाकृत बड़े होंगे और उसकी प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि भी बड़ी लहरों के साथ दिखाई देगी। मंत्र विधा के संदर्भ में इसी को स्फोट कहा जाता है। इसकी तुलना बारूद, कारतूस, विस्फोट से उत्पन्न ध्वनि के साथ अथवा अणु बम फटने के साथ की जा सकती है। मंत्र साधक को यह जानना और जताना पड़ता है कि स्फोट की कितनी मात्रा भिष्ट है। असंतुलित विस्फोट बंदूक या तोप तक को फाड़ सकती है। असंगत साधना से लक्ष्य प्राप्त होना तो दूर, उल्टा अनिष्ट उत्पन्न हो सकता है। मंत्र की तीसरी धारा है लय। उसे किस स्वर में, किस प्रवाह में उच्चारित किया जा रहा है, इसे लय कहते हैं। साधारणतः मानसिक, वाचिक और उपांशु नाम से लय की न्यूनाधिकता का वर्गीकरण किया जाता है। वेद मंत्रों में इसे उद्दात, अनुदात और स्वरित कहते हैं। साम गान में सप्त स्वरों तथा उनके आरोह अवरोह में ध्यान रखा जाता है। यह लय क्रम ही संगीत का मूल आधार है। इसकी व्याख्या शब्द ब्रह्म कहकर की जाती है। जानकारी का पता है कि शास्त्र सम्मत संगीत का शरीर और मन पर ही नहीं
बाह्य वस्तुओं और परिस्थितियों पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, आज का स्वागत है यहीं तक। ध्वनि का और क्या प्रभाव पड़ता है।